गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 5, द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। सो टुडे वी विल डिस्कस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हेन डिड द वॉर एंड? ओके, जर्मनी हैड द अपर हैंड इन द वॉर टिल मिड 1942। तो 1942 तक जर्मनी का सबसे बड़ा हाथ रहा, विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आफ्टर दिस द एलिड पावर्स, और उसके बाद जो एलिड पावर थे, रिकवर एंड डेल्ट अ क्रशिंग डिफीट टू जर्मनी एंड जापान। और एलिड पावर जर्मनी और जापान को युद्ध में पराजय कर दिए। बाय द बिगिनिंग ऑफ 1945, और 1947 के शुरुआत में, हिटलर न्यू दैट ही कुड नॉट विन। और 1945 की शुरुआत में हिटलर को समझ में आ गया कि उसकी जो सेना थी वो अब विश्व युद्ध एलिड पावर के विरुद्ध में जीत नहीं कर सकती है। ही कमिटेड सुसाइड, और वो अपने आप को आत्महत्या कर लिया इन अप्रैल ऑन 7 मई 1945 को। अप्रैल को वो सुसाइड कर लिया, और ऑन 7 मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड, और सेम ईयर 7 मई को जर्मनी एलिड पावर के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। जापान हाउएवर कंटिन्यू टू फाइट इन द पैसिफिक रीजन, इसके बावजूद भी जापान पैसिफिक क्षेत्र में अपना युद्ध जारी रखा। इन अगस्त द USA ड्रॉप्ड एटम बम ऑन टू जापानीज सिटी, और अगस्त में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जापान के दो बड़े शहरों में एटम बम गिरा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी में। और दिस फोर्स जापान टू सरेंडर, और इस बमबारी की वजह से जापान के दो बड़े शहरों में अमेरिका की द्वारा बमबारी की वजह से जापान को फिर एलिड पावर के सामने सरेंडर करना पड़ गया। ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड, तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। एफर्ट टू सेट अप अ पीस ऑर्गेनाइजेशन हैड बिगन ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ, और विश्व युद्ध के दौरान ही कई संगठन पीस विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड, और 24 अक्टूबर 1945 में एक संगठन बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस, लाइक द लीग ऑफ नेशन, और ये भी लीग ऑफ नेशन की तरह ही था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया में शांति बनाए रखे और किसी तरह का अन्य युद्ध दुनिया में ना छिड़े। तो इस तरह से दूसरा युद्ध भी अंत हुआ, है ना। यू विल रीड अबाउट द यूनाइटेड नेशंस इन लेसन 7, और हम यूनाइटेड नेशन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 5 यहीं से समाप्त होती है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एक्सरसाइज नंबर बी डू इन योर बुक एंड सेंड टू इन द ग्रुप फॉर द करेक्शन। थैंक यू।